जिस तरीके से हमारी फिल्मों में सुपर हीरो होते हैं, ठीक उसी तरह खाने में भी सुपर हीरो होते हैं, और खाने के सुपर हीरो को हम बोलते हैं सुपर फूड। और आज एक ऐसा ही सुपर फूड हमारे बीच मेरी इस किचन में है, जिसका नाम है मोरिंगा। जी हाँ, और मोरिंगा को हिंदी में सहजन भी कहते हैं, तमिल में मुरुंगाए भी कहते हैं, और इसका फल यानी कि फली आपने ज़रूर खाई होगी, ड्रमस्टिक, जो अक्सर सांबार में जाती है। और ड्रमस्टिक और उसके पत्ते दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं खाने के अंदर, और बहुत पौष्टिक भी होते हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो कितने पौष्टिक हैं और उनको किस तरीके से पकाया जाता है, वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। फिलहाल शुरू करते हैं हमारा सुपर डुपर टेस्टी एंड हेल्दी मोरिंगा पालक पनीर। देखिए, अब मोरिंगा पालक पनीर बनाने के लिए हमारे जो मोरिंगा के पत्ते हैं उनको हमें तोड़ना है। ये देखिए, ये इस तरीके से पकड़ा, और जिस तरीके से कड़ी पत्ता अलग करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये अलग हो जाएंगे। ये जो डंडी है यूं पकड़ के खींचा, डंडी अलग और पत्ता अलग। ये पत्ते काफ़ी मैंने तोड़ लिए। हमें क्या करना है, इन पत्तों को अच्छे से धोना है, पालक के पत्तों को भी अच्छे से धोना है। उसका पानी हटाने के बाद उसे हम बॉईल करेंगे। ये पानी तैयार है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मोरिंगा के पत्ते। अब देखिए, उबलते पानी में डालना है करीबन 30 सेकंड के लिए। पानी को करेंगे बंद, मतलब गैस को करेंगे बंद, और इसे हम निकाल लेंगे। और निकालते ही इसे हम डालेंगे बिल्कुल चिल्ड पानी के अंदर। इससे क्या होगा कि ये जो मोरिंगा के पत्ते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, ये ओवर कुक नहीं होंगे, इनका रंग भी जो है वो बरकरार रहेगा। अभी भी ब्राइट ग्रीन इनका रंग है और ये पक चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पालक को भी हम पका लेंगे। इस तरीके से जब हम गर्मा गर्म पानी के अंदर पत्तों को डालते हैं, फिर ठंडे पानी में एकदम से डालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लांच या ब्लांचिंग। इसी उबलते पानी के अंदर जाएगी पालक। ये पालक भी धोकर पानी से अच्छे से, इसकी मिट्टी निकाली हुई है, साफ पालक है। पालक के पत्ते को करीबन 1 मिनट के लिए हमें उबलते हुए पानी के अंदर पकाना है। और मोरिंगा या मोरिंगा काय जो है वो तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, उड़ीसा में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में, इन सब स्टेट्स में अलग अलग रेसिपीज में इस्तेमाल होती है। आपकी मोरिंगा के साथ फेवरेट डिश क्या है, उसे ज़रूर नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। इसे यूं हल्का सा टॉस एंड टर्न चिमटे की मदद से, और ये देखिए पालक बिल्कुल गल गई है, वेल्ट हो गई है विद इन अ मिनट, और ये भी जाएगा सीधा ठंडे पानी में, गर्मा गर्म सीधा चिल्ड वाटर में, बर्फ वाला या ठंडा पानी फ्रिज वाला। ठंडा हो गया, इसका पानी हमें अच्छे से स्क्वीज करना है। ये देखिए, अब अगर आप चाहें तो ये जो रेसिपी है मोरिंगा पालक पनीर की, इसके अंदर मोरिंगा की जो मात्रा है 100% रख सकते हैं, मतलब पालक टोटली हटा सकते हैं, या आप चाहें तो 50-50, मतलब 50% पालक और 50% मोरिंगा, ये रेसिपी या ये रेशो भी बड़े काम की है। इसे अच्छे से निचोड़ना है और फिर एक तरफ इसे अब हमें एक मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और इसे अच्छे से पीस लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं पीसने के लिए, बट कोशिश कीजिए कि पानी बिल्कुल ना जाए। तैयार। वाह, तो कहता है, और देखिए क्या बढ़िया, नाइस एंड ब्राइट ग्रीन कलर मोरिंगा और पालक का। ये है मोरिंगा और पालक की पेस्ट। एक बार ये तैयार हो गई, मोरिंगा पालक पनीर 5 मिनट का काम है, लिटरली। शुरू करते हैं। चलिए जी, अब पनीर काट लेते हैं। अब देखिए, पनीर के जो क्यूब्स है ना, वो थोड़े बड़े रखिए ताकि वो पकाते वक्त टूटे ना। पनीर के क्यूब्स तैयार। अब जो मोरिंगा है उसके फायदे बहुत हैं। अगर आप विटामिन सी की बात करते हैं तो मोरिंगा के पत्तों के अंदर 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है जब आप कंपेयर करते हैं संतरे के साथ। साथ ही केले के अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वहीं पर मोरिंगा के अंदर 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है जब हम
कंपेयर करते हैं उसे केले के साथ। तो कुल मिला के ये एक सुपर फूड है जिसके अंदर पोषण है, कैल्शियम का, आयरन का, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी को अंदर से रिपेयर करता है, इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। गैस ऑन होगी, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे मक्खन। आप चाहें तो सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मक्खन जले ना इसलिए थोड़ा सा ऑयल। मक्खन गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले जाएगा जीरा, और जीरा जाते ही इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसे हमें भूनना है। गार्लिक को ना लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि पालक और मोरिंगा का जो ये साग है इसके अंदर गार्लिक ब्राउन किया हुआ उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। देखिए, अगर आपको पालक पनीर पसंद है ना, तो मोरिंगा पालक पनीर की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। आराम से, इत्मीनान से गार्लिक को जलाना नहीं, धीमी आंच पे से ब्राउन करना है। और ये देखिए, हल्का हल्का ये ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे प्याज। अगर आप प्याज और लहसुन के बगैर बनाना चाहते हैं, इन दोनों को आप स्किप करके रेसिपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर हमने गार्लिक को ब्राउन किया था, प्याज को ब्राउन नहीं करना, प्याज को कच्चा रखना। कच्चा रखना मतलब एक मिनट के लिए इसे बस भूनना है, दैट्स इट। और अगर आपको चाहिए एक ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल उंगलियां चाटते रह जाए ऐसी कोई पालक पनीर की रेसिपी, तो उस रेसिपी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर क्लिक कीजिए। ब्रिलियंट, प्याज भुन गए, इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, और इसमें हम डालेंगे मोरिंगा और पालक की पेस्ट। अच्छे से इसे मिलाइए, और अब इसकी भुनाई होगी। भुनाई 2 से 3 मिनट काफी है, उससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इसका थोड़ा कच्चापन निकलना चाहिए, दैट इज ऑल। अब कई लोग ये बोल रहे होंगे, अरे टमाटर तो डाला ही नहीं, गर्म मसाला नहीं डाला। ना टमाटर की जरूरत है, ना इसके अंदर गरम मसाले की ज़रूरत है। सिंपल से स्पाइसेस, सिंपल सी रेसिपी, और इसका टेस्ट एकदम अति उत्तम होगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा जीरे का पाउडर। अब इसको अच्छे से भूनना है। देखिए, इसकी जो भुनाई है ना, तेज़ आंच पर 3 मिनट से मैक्सिमम 4 मिनट काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं भूनना। इस उबलते हुए साग के अंदर हम डालेंगे पनीर, इसे जेंटली स्टर करना है पनीर डालने के बाद, वरना पनीर टूट सकता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि पनीर को अलग से फ्राई कर फिर डालते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, उससे पनीर थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन पालक पनीर के अंदर मुझे कच्चा पनीर बेटर लगता है, इसलिए चॉइस आपकी है, रिकमेंडेशन मैंने दे दी। ब्यूटिफुल। नाउ ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर टुवर्ड्स द एंड क्रीम डाल सकते हैं। और कई बार लोगों ने मुझे पूछा है कि क्रीम नहीं है हमारे पास, तो दूध डाल दें, दही डाल दें। ना दूध डालिए ना दही, क्रीम को ये दोनों चीज़ें रिप्लेस नहीं कर सकती। हमारा बढ़िया मोरिंगा पालक पनीर तैयार। क्रीम डालते ही इसे स्टर करने के बाद गैस करेंगे बंद, और अब इसे परोसेंगे। और हमारा मोरिंगा पालक पनीर डन, और हमारा मोरिंगा पालक पनीर डन। अबे हमारा नहीं, मेरा। ओए अमेरिका कैप्टन, मेरा। अबे मकड़ी, मेरा। अबे तू सुने, तेरे को मैं अबे ढाल से मारूंगा अपनी, मैं तेरे मुंह पे जाला मारूंगा। अबे तेरी, मेरा है पालक पनीर मोरिंगा, मैं लाया था। अरे पनीर मेरे, पैसे मेरे थे, अरे उड़ के मैं गया था। ये लो जी, बाबा जी झाड़ फूँक करेंगे, हेल्थ का झाड़ फूँक, मोरिंगा।